स्वागत है आप सभी लोगों का आज के दी ठाकुर फैमिली व्लॉग्स में। मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं साड़ी पहनी हुई येलो, माय फेवरेट कलर। हनी भी आज मेरे साथ येलो पहना है, बस सनी है ऑड वन आउट। मम्मी इधर तैयार हो रही है, जल्दी जल्दी फटाफट तो नीचे गाड़ी आ चुकी है, पापा ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं और जो भैया रिसीव करने आए हैं वो पापा के साथ नीचे बतिया रहे हैं और पापा सबसे कॉल करेंगे जल्दी आओ जल्दी आओ। जल्दी से चलते हैं, तबला हारमोनियम उठाइए सनी और चलते हैं। और कल क्या हुआ था? कल सनी जोश में कुछ ज्यादा जोर से झाल बजा दिया था। अरे मैं आपको बताता हूँ, जो झाल का जो किनारा होता है ना वो बहुत ज्यादा शार्प था और मैंने उनका झाल ले लिया था तो बहुत ज्यादा जल्दी से कट गया, तो मैं बैंडेज लगाया। आज जोर से दम बजा के बजाऊंगा। The time has finally come. We have met Mata Tariya Shor Macha Diye. ठाकुर फैमिली व्लॉग हो या चुड़लाई की रेसिपी हो आंटी, अब भुजिया का टेस्ट भी हम घर बैठे बैठे ले लेते हैं। वी एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऋषभ अयाची रमेश अंकल भारती आंटी सुदीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ व्लॉग। एक बार शाउट आउट फॉर नथिंग ठाकुर, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस डे। आप सभी को पैसिफिक मॉल द्वारका की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
बीइंग यंग जनरेशन को आप क्या बोलना चाहते हो टू मोटिवेट देम कि कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, बिकॉज यू हैव बीन सीन वेरी इंस्पायरिंग सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस दैट हाउ वी रिसाइड कल्चर अमंगस्ट अस। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आज मतलब भाई बारल को होली का क्या बात है, आप सभी लोग जिस तरीके से डांस हमारे प्रभु जी यहाँ पर है, इसीलिए ये सब चीज पॉसिबल हो पाया। वेल जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हमें दुनिया चेंज करनी है तो उसके दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वी नीड वेरी गुड रोल मॉडल्स, लाइक मैथिली इज अ रोल मॉडल, मैथिली इज अ रोल मॉडल। वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न म्यूजिक, बट हियर इज मैथिली हु इज वेरी इंडियन, वेरी कल्चर्ड इन टू ट्रेडिशनल म्यूजिक, एंड दैट टू भजन संध्या, दैट काइंड ऑफ म्यूजिक अपार्ट फ्रॉम दैट क्लासिकल म्यूजिक। So she at a young age, she's a role model. So very first thing which we need to transform the society are role models. और अगर आपने इनके व्लॉग्स को फॉलो किया है तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इन्होंने पूरा मिथिलांचल अपने घर में बसाया हुआ है। द आर्ट वर्क जो हमने दीवारों पे, जो डेकोरेशन जो हमने देखा है इनके घर में, ये सब कह सकते हैं कि पूरा मिथिला इनके घर में बसता है। ये बात बिल्कुल सच है, जोरदार तालियां एक बार। Next question. थोड़ा कार्यक्रम है इधर उधर, सब निपट के आते हम लोग साथ में चलते हैं। जैसे आज के टाइम में काफी लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस वगैरह या फिर सेम कल्चर नहीं अपना रहे, तो फिर आप जैसे अभी आपने बताया कि इज ओनली 21, क्या आपका कभी मन नहीं करता कि हाँ मैं भी कुछ अलग करूँ, या फिर मतलब मैं भी थोड़े टॉप जीन्स ये सब पहनूं शॉर्ट में पहना लिए। एक्चुअली मुझे ये पहन के ना बिल्कुल अच्छा फील होता है, साड़ी पहनना। काफी सारी आंटी मुझसे पूछती है जोरदार तालियां कि बेटा तुम्हारी उम्र साड़ी पहनने की नहीं है, क्यों आंटी जैसी लगती हो, तुम वो पहनो, फ्रॉक पहनो, जीन्स पहनो, वो तुम्हारी उम्र की हो गए। लेकिन मैं उनको क्या ही बोलूं, इंस्टाग्राम पे अगर 1000 कमेंट है तो सबको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मुझे ये पहन के बिल्कुल अच्छा फील होता है, लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और देखिए एक्चुअली उनको टॉप पहनने की जरूरत है, बिकॉज़ शी इज ऑलरेडी टॉप क्लास, और उनके पास भगवान की सारी कृपा है इसलिए वो साड़ी पहन के रहती है। हरे कृष्णा मैत्री जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी के लिए। एमसी साहब आ गए भाई, लास्ट मैं ये कह रही हूँ बेटा कि सच में जो मैम ने बोला वो बिल्कुल सही है, परिवार की बॉन्डिंग सिर्फ आप ही ये मैसेज कर सकते हो कि परिवार के भाई बहनों और माता पिता को कैसे एक साथ मनोरंजन के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिया जाता है। बेटा हेड्स ऑफ यू, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। खोते मिलते आ चुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। सनी आज तो फिर से खो गया था। अरे बाप रे, आज मम्मी भी खो गई थी। हमारे साथ है ललिता आंटी यहाँ पर मौजूद, और ये है, मैं सिर्फ सुप्रिया को अच्छे से जानती हूँ लेकिन आज सुप्रिया की बहनें भी आई हैं यहाँ पर, अनुषा है यहाँ पे और छुटकी है यहाँ पे और सुप्रिया तो है, अंकल जी है यहाँ पे। ये सुबह शाम दोनों बार हुआ था, मैं सुबह दो जैसे आगे जाते हैं दीदी,
तो मेरे को लोग पीछे वेट कर लेते हैं, मतलब रोको पहले फोटो दो फिर जाइएगा, ऐसे बोलता है। तो क्या हुआ, मैं दो तीन बार खो गया, फिर मैं देखता हूँ तब से ज़्यादा भीड़ कहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे तू मिल जाती है। आइए आइए, आपका इंतजार था।